नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका मेहता और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट एंडोमेट्रियल पॉलिप या बच्चेदानी के अंदर में एक जो गांठ या स्वेलिंग बन जाती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लेडीज़ हैं, जो महावारी उनको होती हैं, पीरियड्स होते हैं, तो ये बेसिकली जो रेगुलर साइकिल या नॉर्मल साइकिल हम बोलते हैं, तो 28 to 35 डेज़ या कभी कभी 25 से 35 दिन अगर आप अप्रॉक्सीमेट रखें तो वो नॉर्मल रेगुलर या यूजुअल जो पीरियड का टाइम रहता है वो ऐसे होता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को, या तो अगर पीरियड इरेगुलर हो गया, मतलब आपको मासिक हो रहा है, पीरियड्स हो रहे हैं, तो 2 या 3 महीने में एक बार हो रहे हैं, रेगुलरली नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कुछ तरह का हार्मोन इम्बैलेंस वहाँ पे बॉडी में चल रहा है। हमने पहले भी वीडियोस में हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में बात किया है। तो जो हमारी लेडीज़ के जो हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स होते हैं। तो पहले जो हार्मोन बनता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो पहले 15 दिन में हार्मोन बनता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और जो लास्ट के 15 डेज में हार्मोन बनता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो जब आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो पहले 15 दिन में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है सिर्फ वही बनता है, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस। तो सिर्फ जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्रस के अंदर के भाग में, जो बच्चेदानी के अंदर का भाग बोलते हैं, वो अंदर के भाग में सिर्फ वो काम करता है, और इसकी वजह से यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है, जो बोल रहे हैं, वो बहुत थिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा थिक होने वाला लाइनिंग, अगर हर महीने आपको रेगुलरली पीरियड नहीं हो तो समटाइम्स ये अंदर का लाइनिंग मोटा होते होते एक गांठ जैसा, एक स्वेलिंग या पॉलिप जैसा बन जाता है, और इस पॉलिप को हमको फिर हिस्ट्रोस्कोपी करके निकालना पड़ता है। उसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुके हैं कि हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जिसमें कि यूट्रस के अंदर में हम एक ट्यूब डालते हैं, एक जैसे लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, वैसे एक दूरबीन, छोटी सी ट्यूब डाल के यूट्रस के अंदर में हम देखते हैं कि ये जो गांठ बन रही है, पॉलिप बन रहा है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, और इसको हम कैसे जो है, उसके बाद एक बहुत पतला सा माइन्यूट सा सीजर होता है, उससे हम काट के उसको निकाल देते हैं। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप, अगर आपकी उम्र 40 या 45 साल से ऊपर है, तो एंडोमेट्रियल पॉलिप का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग का कैंसर या एंडोमेट्रियम या यूट्रस के कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। तो जो एक तरीका है पता करने का कि ये प्रॉब्लम आपको है या नहीं, अपना रेगुलर अल्ट्रासाउंड करिए, और लेडीज़ का जो अल्ट्रासाउंड TVS स्कैन है, अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, उसमें ही हमको यूट्रस के अंदर का लाइनिंग जो है वो क्लियर दिखता है, एंडोमेट्रियम, और उसमें कोई गांठ अगर बन रही है जिसको एंडोमेट्रियल पॉलिप बोलते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करके उसका करेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आप जानने चाहते हैं जिसके बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस छोड़िए, जिससे कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।